आज हम आपको बताने जा रहे हैं Ubuntu 2.12.4 को अपडेट कैसे करें, उसके सारी सर्विसों को और उसमें एनी डेस्क सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करें। तो सबसे पहले अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद ही एनी डेस्क इंस्टॉल होगा। तो आपको टर्मिनल पे जाना है Ubuntu 2.04 को अप टू डेट करने के लिए। दो कमांड हमें लगानी है, sudo space apt-get space update। एंटर करेंगे, जो आपके यूजर का पासवर्ड है वो एंटर करना है। तो लास्ट इंस्टॉलेशन विंडो में हमने बताया था 128 था, तो वो हमने डाल दिया। इंटरनेट आपके कंप्यूटर पे वर्किंग में होना चाहिए। ऑटोमेटिकली सोर्स लिंक आपके सामने कमांड के थ्रू डिटेक्ट हो जाएंगे और स्टेप इंस्टॉलेशन होने के बाद कर्सर अपने आप टर्मिनल के टाइपिंग पॉइंट पर आकर रुक जाएगा। तो ये चार वेबसाइट लिंक्स ऑटोमेटिकली सर्च आउट हुए हैं इस कमांड से। अभी ये इंटरनेट के थ्रू इनको चेक कर रहा है, जैसे ही अगर पेंडेंसी नहीं है तो वो आकर अपने कर्सर पॉइंट पर रुक जाएगा। फिर हम अपडेट की सेकंड कमांड लगाएंगे। ये कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है 100% तक और ये कर्सर आकर रुक गया है। अब हम चलाएंगे इसकी नेक्स्ट कमांड। जब भी आप ओएस को इंस्टॉल करें तो उसके बाद किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी टूल्स प्रोजेक्ट को लिनक्स में इंस्टॉल करने से पहले उसको अप टू डेट कर लेना जरूरी है, ताकि आने वाले सॉफ्टवेयर्स में कोई भी पैकेज, जो बेस पैकेज है ओएस के, उसमें कोई मिसिंग ना रहे। ताकि आप जो भी प्रोजेक्ट लिनक्स पे डेस्कटॉप या सर्वर बनाकर जो यूज करना चाहते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहां पर हम अब नेक्स्ट कमांड टाइप करेंगे जो कि है sudo। सेम कमांड है जो कमांड पहले थी, वही कमांड दोबारा हम यहां लगाएंगे। सिर्फ अपडेट की बजाय अपग्रेड होगा। तो मॉनिटर स्क्रीन पर हम आपको नेक्स्ट कमांड बताने जा रहे हैं, sudo space apt-get space upgrade। जैसे हम एंटर करेंगे पैकेज को सर्च आउट किया जाएगा, इतने सारे पैकेज मिले यस या नो पूछ रहा है। आपको यहाँ वाई दबाकर एंटर करना है और ये पैकेज इंस्टॉल होने शुरू हो जाएंगे। बस ये दो ही कमांडें हैं जिससे आपका ओएस अप टू डेट हो जाएगा। आपका इंटरनेट वर्किंग में रहना चाहिए, ये सारे स्टेप अपने आप ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। आपको मैनुअली यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे HS टेक्निकल चैनल पर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक्स करें और कमेंट्स के अंदर बताएं कि हम आपके लिए कैसे टेक्निकल वीडियोस लाएं। तो हम बेहतरीन और बेस्ट टेक्निकल वीडियोस आपके लिए हिंदी लैंग्वेज में बनाकर ला रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग कोई भी वीडियो आपके पास आए तो आप उसे देख सकें और उसे इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो अब हम ये जो अपग्रेड है ये इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग जितने होंगे अपने आप चलते रहेंगे। और अब हम इस वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट कर देंगे और इसी वीडियो में हम नेक्स्ट चलेंगे एनी डेस्क को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे।
इसी वीडियो में AnyDesk कैसे इंस्टॉल करेंगे वो आपको बताने जा रही है। तो इसी वीडियो में जो सेकंड पार्ट है अपडेट होने के बाद वो हम करने जा रहे हैं। पहले हमने अप टू डेट किया था, अब इंस्टॉलिंग AnyDesk कर रहे हैं लिनक्स वर्जन। ये बिना किसी वाइन सॉफ्टवेयर के हम जेन्युइन AnyDesk का डेप फाइल ही इंस्टॉल करेंगे। उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, वो आपको दिखाएंगे क्या आएगी। सबसे पहले आपको इंटरनेट चलना चाहिए और Mozilla Firefox जो कि बेस ब्राउजर है लिनक्स प्लेटफॉर्म का, उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको google.com खोलना है और सर्च करना है जैसे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं google.com एंड देन AnyDesk। तो जैसे ही आप google.com खोलेंगे और AnyDesk पे क्लिक करेंगे तो AnyDesk की वेबसाइट आपके पास यहाँ खुल जाएगी। क्योंकि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इस वजह से आपको exe फाइल नहीं सर्च आउट होगी, ऑटोमेटिकली ये आपको डेप फाइल सर देगा क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में exe फाइलें इंस्टॉल नहीं हो सकती। तो ऑटोमेटिकली आपको DAP एक्सटेंशन की फाइल मिलेगी, उसको कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको बताएं। AnyDesk सर्च कीजिए गूगल में, AnyDesk की वही वेबसाइट खुलेगी जो नॉर्मल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में खुलती है, देखने में वैसी होगी, सिर्फ फाइल का एक्सटेंशन नीचे मार्क किया होगा जो exe ना होकर दूसरा होगा। तो जैसे हमने AnyDesk पे क्लिक किया इसका लिनक्स वर्जन फाइल आपके सामने आएगी। अभी AnyDesk का आ गया सपोर्ट नाउ लिखा हुआ और डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट होकर आपको डेप फाइल की AnyDesk, ये देखिए डाउनलोड नाउ के नीचे लिखा रहा वर्जन 6.11 4.2 MB to 5.3 MB। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये आपको जो फाइल देगा प्रोवाइड करेगा वो डेप होगी, नॉट exe। जैसे आप विंडो प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो exe फाइल इंस्टॉल होती है। ये देखिए Debian एंड Ubuntu के लिए एंड Mint OS जो वर्जन है Linux के, इसके लिए 64 बिट डेप फाइल डाउनलोड हो रही है। जैसे विंडो में होती है वैसे ही होगा, सेम ब्राउजर सर्च आउट कर रहा है और आपको ओपन या सेव के लिए कहेगा। तो ध्यान रहे यहाँ पे आपको सेव करना है इस फाइल को, ओपन भी दा रहा है ना, सेव फाइल एंड ओके। तो जैसे विंडो में डाउनलोड सेक्शन में जाती है ये फाइल भी डाउनलोड सेक्शन में गई, ब्राउजर को बंद कर देंगे और फाइल मैनेजर में जाके डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। ये फाइल डाउनलोड हो गई, ब्राउजर को बंद कर दीजिए, उस लोकेशन पे जाए जहां फाइल डाउनलोड हुई है। ये हमने फाइल मैनेजर खोला, देन सारे बटन आ गए, डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। AnyDesk फाइल डेप पड़ी आपके पास, यहीं पर ओपन टर्मिनल कर लेंगे। ओपन टर्मिनल में आने के बाद ls से उस फाइल का नाम देख लीजिए जो फाइल डाउनलोड हुई है। ये जो डाउनलोडेड फाइल है यहाँ क्लियर नहीं करेंगे, यहाँ कमांड लगाएंगे इंस्टॉलेशन के लिए। कमांड है sudo space डेटा पैकेज का dpkg -i और any लिखकर टैब बटन दबा देंगे तो पूरा नाम अपने आप आ जाएगा और जो यूजर का पासवर्ड है वो डाल के एंटर करेंगे तो ये पैकेज इंस्टॉल ना होकर एक एरर जनरेट करेगा, dpkg का एरर। तो ये इंस्टॉल नहीं हुआ अभी भी, यहाँ देख सकते हैं डिपेंडेंसी प्रॉब्लम का एक एरर क्रिएट होगा और ये फाइल सेटअप नहीं इंस्टॉल होगा। अब यहाँ पे दोबारा कमांड लगाएंगे क्लियर करके, sudo space apt-get space install space -f इंस्टॉलेशन में जो प्रॉब्लम हो उसे फिक्स किया जाए। तो ये कमांड चलेगी, यस करना है
इंटरनेट यहाँ पे आपके कंप्यूटर में चलता होना चाहिए और ये कमांड जो प्रॉब्लम थी उसे फिक्स कर देगी और एनीडेस्क आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। ये कर्सर आके रुक गया बिना किसी एरर के। इस बार इसको आप एग्जिट कर देंगे और मेन्यू में जाके देखेंगे तो आपको एनीडेस्क सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। ये सेटअप फाइल को बंद कर दें, ये मेन्यू में क्लिक करें जहाँ सभी एप्लीकेशन दिखेंगे, ये टॉप पर थर्ड एनीडेस्क सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों एनीडेस्क सॉफ्टवेयर चलने के लिए तैयार है। तो आपका वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर हमारे चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन वीडियोस और भी लाते रहें। तो हमारी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू एंड हमारे इस HS टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में हमें बताएं। तो इस वीडियो में हमने Ubuntu को कैसे अपडेट करते हैं, उसके बाद एनीडेस्क सॉफ्टवेयर कैसे डालते हैं, अब आप इस मशीन को किसी भी टेक्निकल टीम को दे सकते हैं। तो थैंक यू।